नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं पीआर टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है मारुति सुजुकी कंपनी का फेमस एसयूवी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है विटारा ब्रेजा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। इंटीरियर लुक्स, एक्सटीरियर लुक्स, परफॉर्मेंस किस तरह होता है, माइलेज कितना देता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम किस तरह है, ये सब कुछ डिटेली मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने का काम आपके हाथ पे है, बोलने का काम मेरा है। बातें कम करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहे व्हीकल के कीस मेरे हाथ में है और ये रहा सामने आप कार देख सकते हैं, जिसका नाम है मारुति विटारा ब्रेजा। ये ZXi वेरिएंट आप देख रहे हैं दोस्तों, एंड इसका प्राइस डिटेल्स जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू वरुण मोटर्स निजामाबाद जो व्हीकल को प्रोवाइड किया है। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर आपको मिलता है। मेनली यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देख सकते हैं। बोल्ड फ्रंट ग्रिल यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, क्रोम फिनिश का हाईलाइटिंग के साथ। नीचे आपको जो है नंबर प्लेट का सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड उसके नीचे सेकेंडरी ग्रिल एंड स्किड प्लेट पर आपको मिलता है। कंप्लीटली नीचे आपको 200 mm ग्राउंड क्लीयरेंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रंट का प्रोफाइल जो है काफी बोल्ड एंड अट्रैक्टिव लुक यहां पर आपको मिलता है। ये रहा फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं व्हीकल के लाइटिंग सिस्टम के बारे में। इस व्हीकल में आपको ट्विन चैंबर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, आपको एलईडी हेडलाइट्स यहां पर आपको मिलते हैं दोस्तों, काफी ब्राइटनेस के साथ आते हैं, एंड ड्यूअल फंक्शन एलईडी डीआरएलस यहां पर आपको मिलते हैं। बोले तो यही इंडिकेटर है, यही डीआरएल है, यहां पर आपको इंडिकेटर यहां पर इस तरह का लुक यहां पर आपको मिलता है। लाइट्स का ब्राइटनेस जो है काफी ब्राइट है दोस्तों, आप रोड के ऊपर अच्छी व्यू के साथ आप व्हीकल चला सकते हैं। एंड उसी के साथ नीचे आपको फॉग लैंप्स के बारे में बात करेंगे तो ZXi प्लस वेरिएंट में ही आपको एलईडी फॉग लैंप्स अवेलेबल है। ये ZXi वेरिएंट है। तो दोस्तों ये रहा फ्रंट लाइटिंग सिस्टम के बारे में। बैक की तरफ भी आपको एलईडी टेल लाइट्स यहां पर आपको मिलते हैं। ओवरऑल फुल्ली एलईडी लाइटिंग सिस्टम आपको मिलता है दोस्तों, काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं व्हीकल के टायर्स के बारे में। इस व्हीकल में आपको 16 इंचेस ट्यूबलेस टायर्स विद प्रिसिशन कट अलॉय व्हील्स यहां पर आपको मिलते हैं दोस्तों, काफी बढ़िया सा अलॉय व्हील्स यहां पर आप देख सकते हैं। ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेक सिस्टम, बैक की तरफ आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम यहां पर आपको मिलता है। सस्पेंशन भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों ये रहा व्हीकल के टायर्स, ब्रेक्स एंड सस्पेंशन के बारे में। एंड साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो अट्रैक्टिव अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। फ्रंट की तरफ बढ़िया सा लाइटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको जो है बॉडी कलर इलेक्ट्रिक साइड एडजस्टेबल मिरर्स विद इंडिकेटर फंक्शन के साथ यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। नीचे आपको व्हील आर्क एक्सटेंशन यहाँ पर आपको मिलता है, स्टार्टिंग फ्रंट से एंड तक यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं रूफ के बारे में, रूफ रेल्स के बारे में। गन मेटल ग्रे कलर का रूफ रेल्स का कलर यहाँ पर आपको मिलता है। ऊपर रूफ जो है काफी प्लेन है, यहाँ पर आपका एंटीना यहाँ पर आपको मिलता है। एंड उसी के साथ सामने की तरफ आपको बढ़िया सा विंडस्क्रीन एंड वाइपर्स का लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा साइड प्रोफाइल एंड रूफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में। ये व्हीकल जो है 5.10 फीट विड्थ है दोस्तों, 5.5 फीट हाइट है, 13.1 फीट लेंथ है, 200 mm ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिलता है दोस्तों इस व्हीकल में, 1130 kg का कर्व वेट है। ये रहे व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में। इस व्हीकल में आपको IFX और चाइल्ड सीट माउंट्स, दो एयरबैग्स आपको मिलते हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंजन इमोबिलाइजर, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग। इन फीचर्स को छोड़ के भी आपको काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये रहे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में। अब बात करते हैं व्हीकल के कंप्लीटली बैक प्रोफाइल के बारे में। इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड स्पॉयलर का लुक यहाँ पर आपको मिलता है, एंड बढ़िया सा टेल लाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलता है, बैचिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड विटारा ब्रेजा का क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग जो है, एंड इसके ऊपर जो है सुजुकी का बैचिंग यहाँ पर आपको मिलता है, एंड नंबर प्लेट का सेक्शन सेंटर में आपको अवेलेबल है। नीचे बंपर के ऊपर फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्टर्स एंड पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, स्किड प्लेट भी आपको अवेलेबल है। कंप्लीटली नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीटली बैक प्रोफाइल के लुक के बारे में। अब बात करते हैं व्हीकल के बूट के बारे में। तो चलिए ओपन करते हैं। इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे का लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड लेफ्ट साइड में जो है आपको हुक दिया गया है सामान को हैंग करने के लिए। राइट साइड में 12 वॉट्स का चार्जिंग सॉकेट, बूट लैंप यहाँ पर आपको मिलता है। इस व्हीकल में बढ़िया सा स्पेस है दोस्तों, 328 लीटर्स का बूट कैपेसिटी आपको मिलता है। इस पैनल को ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील एंड यहाँ पर आपको सारे एक्सेसरीज टूल्स जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा व्हीकल का बूट कैपेसिटी के बारे में, 328 लीटर है। सीट्स को भी फोल्ड करके आप स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा बूट के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं व्हीकल के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोस्तों, 18.7 का एवरेज माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है।
तो चलिए दोस्तों बैक पैसेंजर डोर को ओपन करके देखते हैं। तो ये रहा, हम मैं डोर ओपन कर चुका हूँ। इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। नीचे जो है स्पीकर ग्रिल में स्पीकर यहाँ पर आपको मिलता है। 1 लीटर बॉटल स्टोर करने का स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। डोर हैंडल, पावर विंडो का की यहाँ पर आपको मिलता है। सिल्वर कलर का डोर अनलॉकिंग करने का लीवर एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में जो है फोकस करके देखेंगे तो पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा डोर के बारे में। कैबिन का लुक जो है इस तरह का आपको मिलता है दोस्तों। तो चलिए अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको मेनली दो हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है। इसे आप ओपन करेंगे तो ट्विन कप होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। इस व्हीकल के कैबिन में जो है बढ़िया सा लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, काफी स्पेशियस व्हीकल है दोस्तों। कंफर्टेबली अपना व्हीकल का जर्नी जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है एंड उसी के साथ सीट मटेरियल जो है काफी बढ़िया है दोस्तों। आरामदायक सीट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, फैब्रिक सीट्स आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड उसी के साथ सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो आर्मरेस्ट को खोलेंगे तो 2 जने बैठ सकते हैं, क्लोज करेंगे तो कंफर्टेबली 3 जने बैठ सकते हैं। तो ये रहा सीटिंग कैपेसिटी के बारे में, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है आपको इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों। ये रहा बैक कैबिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। तो इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। नीचे जो है स्पीकर ग्रिल यहाँ पर आपको मिलता है, स्पीकर यहाँ पर आपको अवेलेबल है एंड 1 लीटर बॉटल स्टोर कर सकते हैं और स्पेस दिया गया है। हैंडल बार यहाँ पर आपको मिलता है एंड इस तरह का फिनिशिंग यहाँ पर भी आपको मिलता है दोस्तों। डोर अनलॉकिंग करने के लिए लीवर एंड सारे पावर विंडो का कीज जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको ट्विटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहा डोर के ऊपर फीचर्स के बारे में। कैबिन के अंदर जाने से पहले नीचे यहाँ पर आपको विंड प्लेट यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको सीट एडजस्ट करने के लिए लीवर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएंट है। एंड ड्राइवर सेट के राइट साइड में देखेंगे तो क्या क्या फीचर्स होंगे तो यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। मेनली पुश स्टार्ट इग्निशन एंड साइड मिरर्स कंट्रोल करने के अलावा स्विचेस जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसे यूज करके आप साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं एंड ऊपर जो है एसी वेंट यहाँ पर आपको मिलता है इस तरह का फिनिशिंग, ब्लैक फिनिशिंग के साथ। ये रहे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये रहा, मैं व्हीकल के अंदर बैठ चुका हूँ एंड व्हीकल का कीज जो है मेरे हाथ में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों। सेंटर में सुजुकी का ब्रांडिंग एंड लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स, राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल का स्विचेस आपको मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको एयरबैग का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे आपको स्मार्टफोन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर्स को जो है इस कीज को यूज एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इस व्हीकल में आपको बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिलता है, तो उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करना होता है एंड ये स्टीयरिंग जो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट स्टीयरिंग यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये रहा, मैं इग्निशन को स्टार्ट कर चुका हूँ एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ऑन हो गया है एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों। सब कुछ फीचर्स आपको अवेलेबल है। इसमें जो है छोटा सा डिस्प्ले आपको मिलता है जिससे जो है टैकोमीटर, ड्यूअल ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक, ये सब कुछ जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। 2 एनालॉग मीटर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं आरपीएम के लिए एंड स्पीडोमीटर के लिए। एंड यहाँ पर जो है ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल लेफ्ट साइड की तरफ आपको मिलते हैं, हेडलाइट कंट्रोल जो है राइट की तरफ यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये रहे स्टीयरिंग के ऊपर फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं सेंटर पार्ट के बारे में। पियानो ब्लैक फिनिश का आउटलेट यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। सेंटर में हैजर्ड लाइटिंग का स्विच, 2 एसी वेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। न्यू एज स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों। अपना फोन के साथ कनेक्ट करके आप कॉल असिस्ट फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, फोन के साथ मैसेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं, एवरेज कितना चल रहा है अपना व्हीकल ये भी मॉनिटर कर सकते हैं। सब कुछ सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ये सब कुछ जो है अच्छी तरह एक्सेस करेगा। एंड उसी के साथ म्यूजिक सिस्टम में बात करेंगे तो 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों, बढ़िया सा एंटरटेनमेंट आप पा सकते हैं। तो ये रहा स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। छोटा सा स्क्रीन है दोस्तों जिसमें जो है टेम्परेचर्स के साथ आप डिग्रीज के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का कूलिंग यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। एंड ये रहा 4 स्पीड ऑटोमेटिक गेट ट्रांसमिशन इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया सा स्मूथ शिफ्ट ये कर लेता है एंड इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको मिलता है, 2 कप होल्डर से आपको अवेलेबल है एंड बैक की तरफ आपको यूटिलिटी स्टोरेज पॉकेट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। उसी के साथ यहाँ पर आपको इस व्हीकल में 2 ग्लो बॉक्स यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड डैशबोर्ड का लुक जो है इस तरह आपको मिलता है। अपर वाला ग्लो बॉक्स जो है नॉर्मल ग्लो बॉक्स ही है दोस्तों, ZXI प्लस वेरियंट में जो है कूल ग्लो बॉक्स आपको मिलता है। नीचे आपको जो है एक और ग्लो बॉक्स यहाँ पर आपको मिलता है, ये लॉकेबल आपको अवेलेबल है। एंड उसी के साथ ये रहे दोनों ग्लो बॉक्स के बारे में। तो चलिए क्लोज कर देते हैं
तो इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। ओवरऑल डैशबोर्ड का फिनिश जो है काफ़ी बढ़िया है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलता है। तो ये रहा डैशबोर्ड के बारे में। ऊपर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल रियर व्यू मिरर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, एंड उसी के साथ सनग्लासेस होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है, दो रीडिंग लाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड उसी के साथ माइक भी दिया गया है वॉइस असिस्ट एक्सेस करने के लिए, एंड यहाँ पर सनवाइजर के ऊपर एयरबैग इंस्ट्रक्शंस एंड वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, एंड यहाँ पर आपको लाइट भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है, वैनिटी मिरर का लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड में आपको जो है टिकट होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये रहा कम्प्लीटली इंटीरियर लुक्स के बारे में। सेंटर में आपको रीडिंग लाइट का फीचर भी आपको अवेलेबल है। ये रहा इंटीरियर लुक के बारे में। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। K15B पेट्रोल इंजन के साथ आता है, 1462 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट है, 103 हॉर्स पावर आपको मिलता है, 138 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। BS6 का इंजन है एंड यहाँ पर आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, 4 सिलेंडर का इंजन है। बढ़िया सा 48 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी को यूज़ करके 18.7 का माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक वेरियंट है। तो चलिए दोस्तों इंजन का आवाज़ किस तरह होता है तो चलिए सुनते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लुक्स जो है काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ एंड लुक्स भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। 9 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में आपको अवेलेबल है, ये पेरल आर्कटिक व्हाइट कलर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, एंड शोरूम एड्रेस एंड शोरूम डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसी तरह नए नए वीडियोस में आपको जल्दी लाता रहूंगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर ऑटोमोबाइल रिव्यूज़ के लिए एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक मैं हूँ आपका PR Tech साइनिंग आउट।